अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज का ब्लॉग जो है बेसिकली मैंने सुबह से स्टार्ट किया है और अभी जो है सारा मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो उसके बाद जो है मैंने हसन को जो है नूडल्स बना के दिए हैं और आगे जो है मैंने बच्चों को नहलाना है, दोनों बच्चों को नहलाना है। सो बड़ा मुश्किल होता है आजकल, मतलब गैस का इतना इशू है, इतना इशू है। वरना इधर हमारे मतलब मेरे ससुराल में तो इतना होता था लास्ट टाइम, मतलब फुल 24 घंटे गीज़र चल रहा होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है बड़ा मसला हुआ है। सो इस वजह से सिलेंडर पर ही हम लोग खाना बनाते हैं और उसी में पानी जो है गरम करते हैं। सो मैंने पानी रखा हुआ है गरम करने के लिए, और इसके अलावा जो है दोनों बच्चों को नहलाऊंगी क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। इतना इस वजह से जो है इतनी मुश्किल हो रही है ना, कि मतलब बच्चों को ना बंदा नहला सकता है ना फेस वॉश कर सकता है। क्योंकि ये होता है ना कि बच्चों के लिए आप डेली मतलब डेली उनका वो एक दो दूध गिराते हैं। सर्दियों में ये होता है कि डेली तो नहीं, हर तीसरे चौथे दिन तो बंदा नहलाता है, लेकिन यहाँ मतलब मेरा जो है वो हो रहा है कि हफ्ते हफ्ते बाद जो है नहलाना हो रहा है। एनीवेज इस तरह का इशू तो आजकल पाकिस्तान में हर जगह ही चल रहा है। इसके अलावा जो है अभी जो है हसन को नूडल्स बना के देते हैं और जो भी आगे होगा। इसके अलावा जी, इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हसन की जो है बर्थडे के लिए हम लोगों ने चीज़ें लेने जाना है, लाइक बलून्स वगैरह, और घर में ही करनी है तो मैं ही रिकॉर्ड करूँगी। वो आप लोग को दिखाऊँगी। जाना है बाज़ार, आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो खाना बनाना एज़ ऑलवेज, ये मतलब वो तो हर व्लॉग में ही होता है ना, मतलब ये तो एक सिग्नेचर हो गया है कि हर व्लॉग में खाना पकाना तो मस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जो है मैं डेली एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मेरी जो रिसेंट जो है डेली बेसिस पे जो स्टोरीज होती हैं वो पोस्ट करती हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो बताओ ना, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? मैगी। यहाँ पे जो है हसन के लिए मैंने निकाला था रोमपर और ये था बाय द वे हसन का। अभी जो है इसको पहनाऊंगी नहला के। देखते पूरा आता है या नहीं, और उसके बाद मैं उन लोगों के साथ दिखाती हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है शॉर्ट हो गया है, और ये माशाल्लाह इसने बहुत जल्दी हाइट पकड़ी है। और ये देखे नीचे से बटन जो है वो प्रेस नहीं, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर जी मैंने हसन को जो है वो भी रेडी कर दिया था, ये देखें बिल्कुल रेडी माशाल्लाह हो गया। कपड़े तो यहाँ पे जी डस्टिंग वगैरह कर ली है, और आज बन रहा है जी चने की दाल। ये है चने की दाल, और इसमें गोश्त डाल के जो है, और चावल अलग से वाइट चावल बन रहे हैं, ये आपको नज़र ही नहीं आएगा। यहाँ पे जी गोश्त को भून के और फिर जो है पानी डाल के और फिर दाल डाल देनी है और फिर प्रेशर लगा देना है। ये दाल चावल, ये हसन नो इसको धो के डालते हैं। मीजान आप शूज पहन के आओ, जाओ शूज पहन के आओ, इधर देखो शूज पहन के आओ, गुड बॉय। इसको अच्छे से भूनना है और फिर जो है फिर डालनी है दाल। आपने खा, नहीं हाथ नहीं डालते, गंदी बात। आपने खाना है, इधर देखो दाल चावल, दाल चावल खाने। यहाँ पे जी हमारी दाल जो है वो पक चुकी थी, उसको प्रेशर लगा दिया था, और चावल भी देखें ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और एक एक दफ़ा मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ में बनाती हूँ क्योंकि एक ही चूल्हा है। यहाँ पे सलाद भी जो है काट दिया था, प्याज टमाटर ही पड़ा हुआ था तो इसलिए जो है प्याज टमाटर ही काट लिया था, और ऊपर जो है मैंने पुदीना जो है कट करके डाला था, बहुत मज़े का लगता है सैलड में। ये हमारी दाल है, थोड़ा सा इसको मैं वो करूँगी, थोड़ा सा मैश टाइप बनाऊँगी ताकि जो है इसमें थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए। यहाँ पर धुआं धुआं आ रहा है इसलिए जो है आप लोगों को सही क्लियर नहीं आ रहा। डेली बेसिस पर मेरी रूटीन होती है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो मैं काम कर रही होती हूँ, जो भी। ये है मेरी लाइफ। और कैब किधर है, है। कहाँ पे, अंदर। चलो बैग बनाओ, यहाँ पे जी हसन जा रहा था अम्मी की तरफ, और हर दूसरे दिन इसने लाजमी जाना था, मेरे भी ऑफिस जा रहे थे। जी यहाँ पे जो है इसकी मैं सारी क्लीनिंग करने लगी हूँ, और एज ऑलवेज जो है कीवी का फर्नीचर स्प्रे जो है यूज़ कर रही हूँ, और अभी जो है सबको साफ करती हूँ। वेट, ये देखें ये मैंने लगाया है, और अभी जो है इसको न्यूज़पेपर से साफ़ करूँगी, पेपर से, और इसको जो है कपड़े से। ये जी हो गया साफ शिफाफ, अब जो है बाल्टी ब्लाउज का भी साफ कर लेती हूँ।
सो जी यहाँ पे जो है मैं आई थी वन रियल शॉप में, और मैंने जैसे आपको इंट्रो में बताया था कि हसन के लिए जो है बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी लाइक बैलून्स वगैरह, कैप वगैरह, सो यहाँ पे मिलती हैं वन रियल में। और बैलून्स मतलब इतने कोई वो नहीं है, रीज़नेबल नहीं है, लाइक 60 रुपीज़ का जो है 10 मिलते हैं, तो 60 रुपीज़ का वैसे भी शॉप से मिल जाता है। सो ये है कि सेम कलर्स के जो है मिल जाते हैं, और इसके अलावा जो है सारा बर्थडे का वो मैं देख रही थी, मैं यही चाह रही थी कि मतलब जो है सस्ता सस्ता सा जो है चीज़ें हो जाएँ और काम चल जाए, सो इतना एक्सपेंसिव ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग गिफ्ट ले चुके थे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दिखाएंगे हसन की जो बर्थडे जो की है वो सारा सीन। और ये देखें यहाँ पे ये शॉप है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह हैं, इनके डिफरेंट प्राइजेस हैं, लाइक 1 रियाल के तौर पर नहीं है, और भी ज़्यादा प्राइजेस वाली भी चीज़ें हैं, और 1 रियाल वाली भी हैं, 1 रियाल आई थिंक 60 रुपीज़ का, तो 60 की भी चीज़ें हैं, और 200, 300 इस तरह की चीज़ें हैं। सो काफ़ी अच्छी अभी इन्होंने शॉप बना ली है, इससे पहले भी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। तो ये सारा सीन है बर्थडे का, सारा जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं, और बलून सेम कलर्स के यहाँ पे इजीली जो है मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जो है दो तरह के मैंने बलून्स जो हैं ले लिए थे, उमर जो है गाड़ी में थे, हसन जो अम्मी के घर था, तो उसको वापसी पे लेंगे, और इस तरह से जो है हमने उससे पहले ये चीज़ें ले ली थी, वरना अगर उसको साथ लेके आते तो उसने इस शॉप से ना हर चीज़ ही लेनी थी, उसने जिद करने में बैठ जाना था। इसके अलावा जो हैप्पी बर्थडे का बैनर है वो भी मैंने ले लिया था सस्ता सा 60 रुपीज़ का, वो मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ लाइक अ रियलिटी बेस्ड व्लॉग, सो आप लोगों को प्राइसेस भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। और सस्ता सा मतलब ये है कि कम पैसों में आप एक अच्छी डेकोर कर सकते हैं, लेकिन वो सीन भी जो है थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जो है हमें चीज़ें वगैरह देख रही थी दूसरी, और यहाँ पे हमने सिर्फ बर्थडे की चीज़ें ली हैं, और उसके बाद जो है अभी जो है बिल करवाऊंगी, और अंडर मतलब 500 जो है मेरी बर्थडे की जो चीज़ें हैं वो आ गई थी, ये आपके सामने हैं। और अब जो है हमने जाना है हसन को पिक करने, क्योंकि हमारे ऑफिस से आए थे तो ऑब्वियसली बात है वो थके हुए थे, तो बस जस्ट पिक करना था, और उसके बाद जो है उनका ऑफ नहीं था, तो इसलिए जो है आज हमने ये टाइम यूटिलाइज़ कर लिया था कि जल्दी से जो है चीज़ें ले लेते। सो उसके बाद जो है अभी हमने सोचा कि पहले जो है कार ले लेते हैं, जो मैंने लेना था हसन के लिए गिफ्ट, तो इधर ही हम लोग आए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी शॉप है टॉयज़ की, और यहाँ पे कार्स बहुत ज़्यादा जो है कार्स का ऑप्शन है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, और इन्होंने लिखा हुआ था अभी वीडियो में मैं एडिट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वीडियो और फोटो, और मैंने जो है वीडियो बना ली थी। सो एनीवेज सो काफ़ी उनके पास वैरायटी थी, लेकिन हमें ये भी था कि मतलब हसन जो है वो चीज़ें तोड़ता भी है, तो उस हिसाब से जो है कम पैसों में लेना है, 2000 तक की ही लेनी है, तो उसके अंडर लेनी है, मतलब 2000 या 2000 से कम वाली, ज़्यादा वाली बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि उसने एक मिनट में जो है तोड़ देना है। ऑब्वियसली बात है बच्चों का आपको पता होता है कि कितना मतलब वेस्ट करते हैं चीज़ें, कितनी तोड़ते हैं, और मेरा मतलब बेटा तो बहुत ज़्यादा तोड़ता है, उसको मतलब हर चीज़ चाहिए लेकिन वो फिर उसको तोड़ देता है। सो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे, मैं पूछ रहे थे कि चार्ज वाली है, रिमोट वाली है, क्या है, सेल वाली है, सो वो सीन चल रहा है। सो ये जी है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जो है हसन ने जो है बेडशीट पे आई थिंक कुछ गिरा दिया था, तो उसके बाद जो है मैंने बेडशीट चेंज की है, पानी गिरा दिया था तो मुझे वो सारा वो ड्राई करना पड़ा, और फिर उसके बाद जो है बेडशीट चेंज की है। सो यहाँ पे जी बन रहे हैं आज काफ़ी अर्से बाद जो है मिक्स पकौड़े, और मतलब सालन वगैरह नहीं बनाया था, आज हमने सोचा कि बैंगन और इसने मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़े बना लेते हैं, तो उसमें जो है मिक्स पकौड़े भी थे, और अनियन रिंग्स जो होती हैं वो तो हमेशा होती हैं, और बैंगन के पकौड़े जो होते हैं मेरी सास और मेरे हस्बैंड को जो है वो पसंद है, मैं तो नहीं खाती बैंगन के, तो मुझे आलू के पसंद हैं, और अनियन रिंग्स जो होती हैं वो पसंद है। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके सारा मटेरियल जो है रेडी कर लिया था, लेकिन मिक्स पकौड़ों का ये सीन हुआ है कि मैं जब पका रही थी तो ये देखिए मैं पका रही थी और देती जा रही थी, वो खाते जा रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड हो गए और मेरे जेठ हैं और हसन जो है उनको इतने पसंद आ रहे थे, वो बार बार मांगी जा रहे थे। सो दो तीन दफ़ा तो मेरा यही हुआ है कि मैं उनको देती जा रही उसके बाद जो है मैंने दोबारा से मटेरियल कट किया और फिर बनाया, और उसके बाद साथ जो है चटनी बना रही हूँ, और फिर जो है सारा दोबारा मटेरियल बनाया, फिर ज़्यादा सा मैंने कहा खा रहे हैं तो और बना लेती हूँ। सो ये देखें ये बड़े मज़े के मैंने जो बाज़ार स्टाइल वाले नहीं होते आलू मतलब थोड़े मोटे मोटे काट के, और यहाँ पे जो चटनी भी रेडी हो चुकी थी, और आज हमारा यही मेन्यू था कि हम जो है पकौड़े और सालन कोई नहीं बनाएंगे, सो पकौड़े और चटनी के साथ जो है खाना खाएंगे, और मतलब एक होता है ना कि डिफरेंट अपना टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा रोला होता है डेली का क्या बनाएं। सो सेम चीज़ें वो कर करके वो भी बंदा दिल वो हो जाता है, कहता है कि चेंज हो, तो आज का जो मेन्यू था वो पकौड़े थे,
और ये देखें जी अनियन रिंग्स जो हैं ये बड़े मज़े के बनते हैं और डिफरेंट तरीके से। इसके अलावा जो है मैंने ऑलरेडी जो है एक डिफरेंट तरीके से जो है रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। सो ये हमारे जो थ्री टाइप्स ऑफ पकौड़ाज हैं वो रेडी हो चुके हैं, बैंगन के मिक्स पकौड़ा और अनियन रिंग्स और ये हैं जी बैंगन के। सो अभी जो हम लोग खाना खाएंगे और बैंगन के जो बनते हैं वो मेरी जो है सास और मेरे हस्बैंड के लिए बनते हैं और बाकी जो है सब खा लेते हैं। सो अभी जो है मैं थोड़ी थोड़ी सिनेमेटिक शॉर्ट्स ले रही थी और उसके बाद जो है हम लोगों ने जाना था बाज़ार जाना था और कुछ चेंज कराना था, लेना था कुछ, और इसके अलावा जो है आंटी ने कुछ लेना था। सो आंटी भी जो थी और अब जो हम बाज़ार आए थे और अभी जो है कोयटा की चाय पी रहे थे और ये देखे और आंटी में उमेर आए हुए थे और हसन और बच्चे बच्चे मतलब अजलान। सो ये था आज का व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा बर्थडे का व्लॉग होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।